नमस्कार, वेलकम टू वी ऑटोलॉग्स। मैं हूं आपका होस्टर दोस्त दीपक चौहान। लेके आया हूं आपके लिए निसान मैगनाइट सीवीटी मॉडल का वॉक अराउंड वीडियो। जो मॉडल है टॉप ऑफ द लाइन एक्सपी प्रीमियम मॉडल है। चलिए फ्रंट ग्रिल की, देखिए कुछ किस तरीके की आपको ग्रिल मिल जाएगी। पियानो ग्रे फ्रेंच के साथ में ग्रिल मिलेगी और चारों तरफ क्रोम सराउंड्स के साथ मिलेगी। सेंटर में आपको इसमें निसान का लोगो मिल जाएगा। लोगो के जस्ट नीचे आपको इसका फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके हेडलाइट्स की। देखिए कुछ इस तरीके से स्लीक हेडलाइट्स मिल जाएंगे। बाई प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हैं। इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। जस्ट उसके नीचे देखेंगे आपको एल शेप में LED DRLs मिल जाएंगे, जो काफ़ी प्रीमियम और अच्छा लुक एनहेंस करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स में। अब बात करते हैं, देखिए जब जैसे ही ग्रिल के नीचे देखेंगे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाएगी। उसके जस्ट नीचे बम्पर चेन की बात करें तो आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाएगी, ठीक है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक इसके सी लुक में एनहेंस करती है। डी फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइड लुक्स की। देखिए ये इसकी टायर प्रोफाइल, टायर देखिए डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें प्रोवाइडेड है। इस मॉडल में आपको टायर की जो प्रोफाइलिंग होगी वो होगी आपकी 195/60R16 की, ठीक है। इस तरीके की कुछ आपको इसके टायर की लुक मिल जाएगी। टायर के चारों तरफ आपको बहुत अच्छी थिक क्लैडिंग मिल जाएगी, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक एनहेंस कर रही है। फेंडर पे आपको निसान मैग्नाइट की क्रोम के साथ में बैजिंग मिल जाएगी और जो LED इंडिकेटर्स हैं वो आपको साइड ORVMs में मिल जाएंगे। जस्ट साइड ORVMs में ये 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। और ये देखिए डोर लाइनिंग, क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाएंगे आपको और क्विस्ट सेंसर के साथ में। इसे ये है क्रोम डोर लाइनिंग जो कि आपके क्वार्टर ग्लास तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये देखिए सिल्वर इंसर्ट के साथ में आपको इसकी साइड की बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी, साथ ही में जो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ये देखिए रियर में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। टॉप पे देखेंगे गाड़ी के तो आपको सिल्वर कलर के फंक्शनल रूफ रेल मिल जाएंगे 50 kg लोड लिमिटिंग कैपेसिटी के साथ में। बात करते हैं गाड़ी की रियर लुक्स की। ये देखिए आप सबसे पहले गाड़ी की रियर लैंप देखेंगे जो कि आपको LED में मिल जाएगी इस मॉडल में। ये इसमें टॉप में आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, नॉर्मल शेप एंटीना मिल जाएगा। स्पॉइलर पे आपको पीछे स्टॉप लैंप मिल जाएगी। डिफॉगर वाइपर वॉशर के साथ में आपको रियर ग्लास मिलेगा इसका। सेंटर में आपको निसान का लोगो मिलेगा। लोगो के जस्ट नीचे आपको नंबर प्लेट की मैग्नाइट की बैजिंग मिलेगी। मैग्नाइट के बैजिंग के नीचे आपको बम्पर पे इसकी रियर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिलेगी। बम्पर भी आपको रियर में भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ, सिल्वर स्किड प्लेट के साथ में मिल जाएगा, जो कि डुअल टोन कलर ऐड करता है इसके बम्पर के लुक्स में। बिल्कुल बम्पर के नंबर प्लेट के ऊपर ही आपको इसका रियर कैमरा भी मिल जाएगा। साथ में मैग्नेटिक सेंसर है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हैं। राइट साइड ये देखिए कुछ इस तरीके की आपकी रियर ग्लास की लुक है, जो कि डिफॉगर वाला ग्लास है। बात करते हैं इसके हुड की। हुड में आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका इंजन बे देखने को मिलेगा, जो कि सी शेप चेसिस के साथ में है, ठीक है। इस तरीके से इंजन बे दो आपको नॉइज़ इंसुलेशन के लिए यहाँ पे पैडिंग की गई है, जबकि आपकी गाड़ी की केबिन नॉइज़ के अंदर ना घुसे। दो इस पे वॉशर मिल जाएंगे आपको। दो होज हैं देखिए ध्यान से, और यहाँ पे आपको ये वाटर फिल करने का ऑप्शन है आपके रियर मिरर को वॉश करने के लिए। बात करते हैं इसके इंटीरियर लुक्स की। देखिए इसको जिस तरीके का इसको आपको ड्राइवर का गेट दिखेगा सिल्वर फिनिश के साथ, डोर ओपनर्स, और ये आपका डोर आर्मरेस्ट है सिल्वर फिनिश के साथ में, जिसमें आपको चारों पावर विंडोज, डोर फोल्डेबल एंड उसके एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। 1 लीटर की बॉटल की स्पेस और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस विद अ स्पीकर ग्रिल डोर पे आपको मिल जाएगी। इस तरीके का कुछ फैब्रिक मिल जाएगा आपको डोर पे। सीट की बात करें तो 6-way एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी हाइट एडजस्ट के साथ में। फ्रंट एंड बैक और रिक्लाइन एंगल आप सेट कर सकते हो उसकी। ये देखिए इसके आपको लिवर्स, ABC एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, साथ ही में इंजन ओपन करने का हुड। कुछ इस तरीके की आपको इसकी कीज़ मिल जाएंगी, और देखिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन है निसान की बैजिंग के साथ में। ये दो कीज़ हैं इसकी, दो कीज़ आपको दोनों पावर कीज़ मिलेंगी, ठीक है। कीलेस एंट्री मिलती है तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको कीज़ मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके का आपको स्टेयरिंग कंट्रोल मिलेगा सिल्वर फिनिश के साथ में, काफ़ी अच्छा लुक देता है। सेंट्रल में निसान की बैजिंग है, देखिए इसका ये
कंट्रोल्स। डिस्प्ले सेंटर में दी गई है आपको, शायद 4 से 5 इंच का इसका साइज़ होगा। दोनों साइड पे आपको इसके गॉजेस मिल जाएंगे, एक साइड में आपका फ्यूल का गॉज है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टेम्परेचर गॉज है। सेंटर में आपको RPM और स्पीड का गॉज मिल जाएगा जो कि डिस्प्ले पे मिलेगा। कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में, बहुत सारी डिटेल्स आपको शो करता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो जो चीज़ें आपको इसके मीटर में अवेलेबल है वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिलेंगे, ये फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है ये, ठीक है, फ्यूल हिस्ट्री आपकी लास्ट ट्रिप्स की, साथ ही साथ उसमें आपको ड्राइव कंप्यूटर का ऑप्शन मिलता है जिसपे टेप मीटर वगैरह सब कुछ आपको डिटेल्स शो करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से स्टार्ट करने के बाद ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक मिलती है। एसी पे आपको लैम्बोर्गिनी स्टाइल एसी वेंट्स मिलेंगे जिसमें आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगा चारों तरफ। चलिए अब बात करते हैं इसके सेंट्रल कंसोल की। देखिए कुछ इस तरीके के इसके एसी वेंट्स है, इसका डैशबोर्ड लुक है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो कि डिसेंट है इस प्राइस में। डुअल कलर में है बट ये ब्लैक टेक्सचर्ड है और टॉप पे आपको दूसरे टेक्सचर में ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है। ये इसकी 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है। नीचे आपके एसी के कंट्रोल्स हैं, देखिए बिल्कुल जस्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के नीचे आपको डिफॉगर, लॉक अनलॉक और हैजर्ड लाइट का स्विच मिलेगा। ये ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स के आपके स्विच हैं, ठीक है। इसे ही सेंटर में आपको इसमें टेम्परेचर भी दिखाएगा कि किस टेम्परेचर पर आप कर रहे हैं, सारे कंट्रोल्स आपको यहीं मिल जाएंगे। उसके नीचे बात करते हैं सेंटर कंसोल की। देखिए स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, बिकॉज ये कीलेस एंट्री कार है तो उसमें की नहीं लगानी पड़ती, इसी स्विच से गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये सारे स्विच की फंक्शनिंग मैंने आपको दिखा दी है। सेंटर कंसोल की बात करें, ये कुछ एसी के कंट्रोल्स, इस तरीके से कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे इसके सेंटर में जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। इंसर्ट फिनिश के साथ सभी नॉब्स पे आपको इंसर्ट फिनिश भी मिल जाएगा और डायल्स के बीच में ही आपको कंट्रोल शो करेगा क्योंकि बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये इसका सेंटर कंसोल, कुछ स्टोरेज स्पेस इसमें मिल जाती है आपको, ठीक है। फ़ोन रख सकते हैं टॉप मॉडल में, ऑप्शनल में आप पे यहीं पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा इसी जगह पे। ये देखिए इसका 12 वोल्ट पावर सॉकेट और USB का पोर्ट, और ये कुछ सिल्वर क्लियरेंस के साथ इसका गियर नॉब, लेदर रैप। ये सेंटर में आपको इसकी हैंड ब्रेक मिल जाएगी और ये 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ये नॉन एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिलेगा आपको कुछ इस तरीके के फैब्रिक के साथ में। ये है को ड्राइवर सीट, देखिए काफ़ी अच्छे सपोर्ट, बैक और लंबा सपोर्ट के साथ, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इन सीट्स का। चलिए ये है आपके सेंटर लाइट, तो 3 लाइट्स मिल जाएंगे इसमें आपको, 2 छोटी लाइट्स, 1 सेंटर में लाइट, कुछ इस तरीके से इनकी फंक्शनिंग है। ड्राइवर को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, साथ ही साथ ड्राइवर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और उसी के साथ में आपको ये ब्लूटूथ का माइक मिल जाएगा। ये आपका डे नाइट एडजस्टेबल मैनुअली एडजस्टेबल इंटीरियर रियर व्यू मिरर है, कुछ इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है, आप देख सकते हैं। अब दिखाते हैं इसका आपको को ड्राइवर साइड का डोर हैंडल, देखिए सिल्वर फिनिश के साथ में। ये इसका है ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, छोटा सा टैबलेट भी आप इसमें रखने के लिए सेपरेट स्पेस दी गई है इसमें। चलिए बात करते हैं इसके रियर लुक की। रियर डोर से एंटर किया, कुछ डोर आपको इस तरीके से दिखेगा, वही सेम डुअल क्रोम फिनिश ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स मिलेंगे, साथ ही हैंड रेस्ट पे कुछ इस तरीके का आपको फैब्रिक मिलेगा डोर पे, काफ़ी बड़ा एरिया और 1 लीटर की वाटर बॉटल रखने का स्पेस और एक स्प्रिकर। देखिए मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, तो आपको मैं स्पेस दिखाता हूँ। ये देखिए सेंटर में आपको रियर एसी वेंट्स, नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको इसमें सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मोबाइल होल्डर और 2 कप होल्डर्स की प्लेस है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है तो उस हिसाब से कुछ इतना आपको इसमें लेग रूम मिल जाएगा, देखिए काफ़ी डिसेंट लेग रूम है। ये इसके कंट्रोल्स विद इन रीच है और कुछ इस तरीके एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सीट पे आपको एडजस्टेबल। चलिए बात करते हैं इसके बूट की। ये इसका हमने बूट ओपन किया, 365 लीटर्स का बूट स्टोरेज है अवेलेबल है इसमें, मैग्नेटिक रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। बूट पे ही आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरे का प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये इसकी पार्सल ट्रे है जो कि इस मॉडल में आपको अवेलेबल होती है। पार्सल ट्रे को थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको इसकी 60-40 रियर स्प्लिट सीट दिखाते हैं जो कि इस मॉडल में आपको अवेलेबल है। ये है इसकी 60-40 स्प्लिट सीट जिसको आप फोल्ड करके बूट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं बूट के अंदर, कुछ ये थोड़ा बहुत सामान मिलता है जो कि एक्सेसरीज का। दोनों साइड पे आपको कुछ इस तरीके के 2 हैंगर्स मिल जाते हैं, तो छोटे से हुक्स मिल जाते हैं बेसिकली, और साथ ही साथ लाइट भी है, डिमिंग लाइट, छोटी सी आपको पैनल लैंप मिल जाएगी।
सॉरी लैंप मिल जाएगी। ये देखिए इसका रियर बम्पर का हल्का फुल्का लुक आपको नज़र आ रहा होगा सिल्वर स्कर्ट प्लेट के साथ में। ये देखिए 15 इंचेस का आपको टेम्परेरी टायर मिल जाएगा जिसको आप रेगुलर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। ये इस पे लिखा हुआ है टेम्परेरी यूज़ ओनली। 15 इंचेस का एक छोटा लाल कलर की रिम के साथ में आपको टायर मिल जाएगा। आज 27 मार्च है तो आज के अकॉर्डिंग कुछ इतनी इस कार की वेटिंग चल रही है, तो आप देख सकते हैं कौन से मॉडल पे कितनी। पर्टिकुलर मॉडल में आपको जो जो सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एंटी पिंच पावर विंडोज, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, हिल असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, 360 डिग्री व्यू कैमरा, ठीक है, ड्राइवर को ड्राइवर रियर सीट सीट बेल्ट, ठीक है, दोनों ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड एयरबैग्स, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सब्सक्राइब की लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और कोई नई पुरानी गाड़ी के वॉक अराउंड वीडियोज़ आपको चाहिए कमेंट्स करके बताइए ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।